भाजपा के स्टार प्रचारक और पूर्व सीएम उमा भारती, संकल्प पूरा नहीं हो सका जो उन्होंने सोमेश्वर मंदिर के पट खुलने का ले रखा है। वहीं उमा भारती सावन माह के आखिरी सोमवार को रायसेन किले के प्राचीन और ऐतिहासिक सोमेश्वर महादेव मंदिर पहुंची। इस दौरान मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए साध्वी उमा भारती का दर्द छलक उठा। उन्होंने अपने दर्द को दबाते हुए कहा कि अब तो केंद्र में मोदी सरकार, मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार है, फिर भी सोमेश्वर मंदिर किला पहाड़ी के गेट क्यों नहीं खुल पाए, ये बड़े शर्म की बात है। अभी नहीं तो कभी नहीं, ऐसी स्थिति में फिर सोमेश्वर धाम के मंदिर के ताले क्यों तोड़े। यहाँ के जनप्रतिनिधियों की जिम्मेवारी ठहरा गई थी कि आप लोग बात करते रहिए, अब पता नहीं क्या हुआ। तो आज चूंकि मैंने पहले से कहा हुआ था कि मैं श्रावण के आखिरी सोमवार को जल चढ़ाना चाहूंगी शुक्ल पक्ष के, क्योंकि यहाँ महादेव गोरे हैं, इसलिए तो पहले मैं शुक्ल पक्ष के सोमवार को आज आ गई और आज तो मुझे नीचे